थर्सडे है, गुरुवार, तो देखते हैं आज थर्सडे को हमारे लिए क्या है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स है, विच मीन्स कि आज आप जो भी चीज़ें करना चाहते हैं, इन्जॉय करना चाहते हैं, कहीं पार्टी में जाना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग डिफरेंट फॉर योर सेल्फ, इट्स अ वेरी गुड डे। वैसे भी आज वर्ल्ड वाइड हैलोवीन डे मनाया जाता है और इसमें आप अपने एंसेस्टर्स को तो याद करते ही करते हैं, बट आप एक आउटफिट भी ऐसे पहनते थे कि कोई आपको ये ना पहचान सके कि आप ह्यूमन हैं या आप नॉन ह्यूमन हैं। सो इन्जॉय द पार्टीज, हैलोवीन पार्टीज आजकल बहुत चल रही हैं, सो आज का दिन इन्जॉय करने का है और अपने आप में बिलीव करने का है। सो हम स्टार्ट करते हैं एरीज के साथ। सो एरीज के लिए आज डे है टू फॉरगिव। तो अगर हो सके जो भी एक फॉरगिवनेस आपको लगता है कि मुझे किसी को देने की ज़रूरत है, आज उसको आप ज़रूर करने चाहिए। दूसरा, अगर हो सके अपनी लाइफ में कहीं पे भी कोई भी पार्ट आपका घर का जो भी आपको लगता है ऑर्गेनाइज नहीं है उसमें, तो 15-20 मिनट निकाल के, एंड अगर आपको कुछ क्लटर है, कुछ आपको लगता है कि मुझे कुछ चीज़ें ज़रूरत नहीं है, मुझे इनको निकालनी है, तो आज उसको ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है टॉरस। टॉरस के लिए एडवाइस ये है कि जब तक हम नेगेटिविटी के हिसाब से सोचते हैं तो हमें हर चीज़ नेगेटिव लगती है, लेकिन अगर आप ग्रेस को देखेंगे कि मुझे इतना सब खराब होने के बावजूद इसमें कुछ तो अच्छाई है, आज मैंने इसमें से क्या अच्छाई ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, आज उस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जेमिनी। जेमिनी के लिए एडवाइस ये है कि अपने आप में बिलीव करिए, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं आप कर पाएंगे। जल्दी से हताश मत होइए, कोई भी चीज़ करने में समय लगता है, तो आप अपने एक्शन पे काम करते रहिए। नेक्स्ट इज कैंसर। कैंसर के लिए एडवाइस ये है कि सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है किसी भी रिलेशनशिप के लिए, तो अगर आपको लगता है कि मेरे किसी भी रिलेशनशिप में सेल्फ रिस्पेक्ट मिसिंग है, तो आपको देखना पड़ेगा कि वो कहाँ से उसकी वो फीलिंग आ रही है कि मुझे लोग सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों नहीं दे पा रहे हैं और मैं दूसरों को क्यों नहीं दे पाता हूँ, तो आज इस बारे में सोचने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज लियो। लियो के लिए एडवाइस ये है कि आज बहुत अच्छा दिन है, आप इन्जॉय कर रहे हैं, आप ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने लव्ड वंस के साथ, फैमिली के साथ इन्जॉय करें, और कोई बहुत स्पेशल पर्सन जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, शायद वो भी आपको कोई ऐसा मैसेज बोलें या आप ऐसे टाइम स्पेंड करें कि आने वाला समय आप उनके साथ बिता सकें। सो ओवरऑल वेरी हैप्पी डे फॉर यू। नेक्स्ट इज वर्गो। वर्गो के लिए एडवाइस ये है कि कुछ भी हम जब कुछ करना चाहते हैं, अगर हमारा एंथुसियाज्म होता है, अगर हमारे अंदर एक फीलिंग ऑफ, जैसे एक बच्चे को कुछ कोई कैंडी चाहिए होती है तो उस हिसाब से वो पीछे भाग रहा होता है अपने पेरेंट्स के, तो आपको भी जो अपनी लाइफ में गोल्स चाहिए, जब तक वो एंथुसियाज्म नहीं आएगा तब तक आप देखेंगे कि इट इज़ मिसिंग इन योर लाइफ। सो आज गाइडेंस ये है कि किन चीज़ों से आपका ये चीज़ें आ सकती हैं, एक्साइटमेंट आ सकती है लाइफ में, उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज लिब्रा। लिब्रा के लिए एडवाइस ये है कि हो सकता है कि कुछ लोगों को आप मिलना चाह रहे हैं, उनसे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन वो समय नहीं बना पा रहे हैं आपके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते हैं, इट जस्ट मीन्स कि उनकी भी अपनी बाउंड्रीज हैं और उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो आगे के लिए कैसे टाइम स्पेंड हो सकता है आप उसके लिए योजना बना सकते हैं, लेकिन अभी बुरा मानने की बात नहीं है, इट्स ओके, इवन दे आर बिजी। नेक्स्ट इज स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए एडवाइस ये है कि आपको जो भी चीज़ें अचीव करनी है, आप उसको एक लिस्ट बनाइए और देखिए कि कौन सी चीज़ें मेरे अंदर ऐसी हैं जो मुझे आगे बढ़ने से रोकती हैं। प्लस स्कॉर्पियो का बर्थडे मंथ भी चल रहा है, तो जो भी चीज़ें आप अपने गोल्स नेक्स्ट ईयर के लिए बनाना चाहते हैं या 6 मंथ्स के लिए बनाना चाहते हैं, ये परफेक्ट टाइम है टू अंडरस्टैंड कि मेरे अंदर कौन सी वीकनेस है और मेरी कौन सी स्ट्रेंथ है, तो कैसे मैं अपने स्ट्रेंथ को और बढ़ाऊं और वीकनेस को हटाने पे ध्यान लगा पाऊं। नेक्स्ट इज
सजिटेरियस, सजिटेरियस के लिए एडवाइस ये है कि जो भी आप एक्शन कर रहे हैं ये आपको पता रहे कि आपको गाइडेंस एंजल्स, आपके बेस्ट विशेज, आपके एंसेस्टर्स के आपके साथ हैं। कभी कभी अपना पॉइंट बताने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप सामने वाले से लड़ने जाएं, आप अपना पॉइंट अपना काम करके भी दिखा सकते हैं और सामने वाले को वो मैसेज चला जाएगा। सो आज का दिन धैर्य रखने का है। नेक्स्ट इज कैप्रिकॉर्न्स। कैप्रिकॉर्न के लिए एडवाइस ये है कि हो सकता है कि जो सिचुएशन में अभी आप हैं और अपने आप को पाने जा रहे हैं, आप अभी उसके लिए कुछ पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हैं, विच इज़ ऑल राइट। लेकिन जब आप उस स्टेप में आ जाएंगे, आपको दिखेगा कि धीरे धीरे टाइम के हिसाब से आपको आंसर्स मिलने लग जाएंगे और आप इतना नेगेटिव फील नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा पॉजिटिव रह के थोड़ा सा ओपन माइंड रखने की आज ज़रूरत है। नेक्स्ट इज एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए एडवाइस ये है कि आपका टाइम बहुत अच्छा है, टाइम टू केयर, टाइम टू इन्जॉय, टाइम टू लव। पैसे खर्च करने से पहले ज़रूर एक दो बार सोचें, एनालाइज करें कि इसकी मुझे ज़रूरत है या नहीं है। अदरवाइज टुडे इज़ अ डे ऑफ स्प्रेडिंग लव एंड जॉय टू एवरीवन। नेक्स्ट इज पाइसिस। पाइसिस के लिए एडवाइस ये है कि होप मत छोड़िए। आपको लग रहा है कि लोग आपको पीछे से आके आपको स्टैब कर देते हैं और आपको आपका जो अच्छा काम किया हुआ होता भी है आपको उसका श्रेय नहीं मिलता है, तो ये सब टेम्प्ररी है, दैट्स ओके। किसी ने कुछ कह दिया, आप अपने काम पे लगे रहिए। इम्पॉर्टेंट ये है आप अपने दिमाग के अंदर नेगेटिविटी नहीं लेके आए और अपने कर्म को करते रहें। तो मैं आशा करती हूँ आप सबका दिन बहुत बढ़िया रहेगा। Have a great day. Namaskar.